देखिए मैट्रिक स्पेस में लास्ट टर्म पे एक होमवर्क दिया गया था, वो बेसिकली आपका कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या चीज़ें उसमें है देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया था, कहा गया था मान लीजिए आर कॉमा डी यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, तब आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, कहा गया था दिखाइए कि वो सारे के सारे ओपन होंगे या नहीं। अगर ये यूजुअल मैट्रिक है तो डी एक्स वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, मॉड एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सॉरी आर, ठीक। पहला पॉइंट आपका इसमें था ए इज इक्वल टू क्लोज्ड 0,1, दूसरा पॉइंट आपका था बी इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0,1, तीसरा पॉइंट आपका था सी इज इक्वल टू सेमी ओपन 0 सेमी क्लोज्ड 1, फोर्थ पॉइंट आपका था डी इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0,1, फिफ्थ पॉइंट आपका था ई इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0,1 यूनियन ओपन इंटरवल 2,3, सिक्स पॉइंट आपका था एफ इज इक्वल टू सिंगलटन 1, सेवन्थ पॉइंट आपका था जी इज इक्वल टू 1,2,3, ठीक है। अब देखिए यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर इज एन ओपन इंटरवल, फिर ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, ठीक। अब देखिए इसको देखिए, अगर ये सेट ओपन होगा तो इसका हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट, आपको बताए थे कि इंटीरियर पॉइंट केवल उसी को चेक करते हैं जो उस सेट में पाया जाता है, मतलब ये अगर क्लासरूम है हमको इसके इंटीरियर पॉइंट चेक करने हैं तो केवल उनको चेक करेंगे जो इस क्लासरूम के अंदर है। समझाए कैसे कहते थे आपको, कहते मान लीजिए ये एक्स कॉमा डी है कोई मैट्रिक स्पेस, ई इसका कोई सबसेट है, ठीक। अगर ई के बाहर कोई पॉइंट ले लें और पूछे ये ओपन है या नहीं तो कहिए 101% ओपन नहीं है, लेकिन ई के अंदर अगर कोई पॉइंट ले लें और पूछे ओपन है या नहीं तो कहिएगा हम चेक करके बता रहे हैं कि ओपन है या नहीं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक छोटी सी रेडियस का ओपन स्पेयर बनाएंगे, अगर वो ई में कंटेन कर गया तो ओपन है वरना ओपन नहीं है। अब इसको देखिए, एक अगर ओपन होगा तो ए के सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट, ए अगर ओपन होगा तो ए के सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट चेक करने के लिए ए के अंदर के पॉइंट का डिस्कशन करते हैं, ए के बाहर के पॉइंट का डिस्कशन नहीं करेंगे। ए के अंदर कौन कौन पाया जा रहा है, जीरो पाया जा रहा है, नहीं। क्यों, अरे क्लोज इंटरवल है ना, तो जीरो तो इसके अंदर पाया जाएगा लेकिन वन इसके अंदर पाया नहीं जाएगा। बॉर्डर पे तो क्या मतलब, यहाँ पे है ना कहीं ये है ना, जैसे ये रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन में आपसे कहा कि जीरो और वन, वन पे ओपन इंटरवल है जीरो पे क्लोज इंटरवल है, ये हमारा ए है, मतलब वन ए के अंदर नहीं पाया जाएगा लेकिन ये क्लोज्ड है तो जीरो ए के अंदर पाया जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे कि ए के अंदर बाकी जो सारे पॉइंट्स हैं वो तो इंटीरियर पॉइंट होंगे ही होंगे, हम केवल बाउंड्री का पॉइंट चेक करेंगे। जैसे अगर हम 5-6 लोग 10 लोग क्लासरूम के अंदर हैं तो हम लोग तो इंटीरियर पॉइंट हैं ही इसके। लीजिए हम आ गए यहाँ, अब बताइए हम इंटीरियर हैं या नहीं, कैसे पता, मतलब हमको चेक करना पड़ेगा, है ना, चेक करके ट्राई करना पड़ेगा कि है कि नहीं है। तो क्या मतलब हुआ कि अगर कोई पॉइंट ए के बाहर है तो 101% इंटीरियर नहीं है, ए के एकदम अंदर है तो इंटीरियर है, ए की बाउंड्री पे है, देन यू शुड हैव टू चेक। समझ गए क्या बोले, अगर कोई पॉइंट हमारा ए के बाहर है तो 100% आईपी नहीं है, अंदर है तो 100% आईपी है। चेक किसको करते हैं, बाउंड्री को, है ना। चलिए चेक किया जाए, बाउंड्री पे कौन है हमारा, जीरो,
ज़ीरो को चेक करते हैं। चेक करने के लिए ज़ीरो को सेंटर मान करके एप्साइलन रेडियस का ओपन स्पेयर बनाएंगे, ठीक। ओपन स्पेयर की वैल्यू आती है ओपन इंटरवल ज़ीरो माइनस एप्साइलन कॉमा ज़ीरो प्लस एप्साइलन। देखिए यहाँ पे पहले, बाद में करिएगा। ज़ीरो माइनस एप्साइलन कॉमा ज़ीरो प्लस एप्साइलन इज इक्वल टू माइनस एप्साइलन कॉमा प्लस एप्साइलन, माइनस एप्साइलन कॉमा प्लस एप्साइलन। ये है हमारा, ये एस ज़ीरो कॉमा एप्साइलन की वैल्यू। क्या ये इस ए के अंदर कंटेन कर रहा है? नहीं, इतना हिस्सा ए के बाहर है, मतलब ये कभी भी ए में कंटेन नहीं कर रहा है। अगर कंटेन करता तो ये भी हिस्सा इस ए के अंदर होता, लेकिन इतना हिस्सा ए के बाहर है, मतलब ये वाला इंटरवल, मतलब ये ए में कंटेन नहीं कर रहा है, इतना हिस्सा उसका ए से बाहर है, कंटेन नहीं कर रहा है, मतलब एस ज़ीरो कॉमा एप्साइलन कंटेन नहीं कर रहा है ए में। अगर ये कंटेन नहीं कर रहा है तो ज़ीरो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अगर ज़ीरो इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो इसके सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो ये सेट हमारा ओपन नहीं है, ठीक है। लिखेंगे कैसे, लिख लीजिए। पहला पॉइंट डालिए, लिखिए ए इज इक्वल टू क्लोज्ड ज़ीरो कॉमा वन, ए इज इक्वल टू क्लोज्ड ज़ीरो सेमी क्लोज्ड ज़ीरो सेमी ओपन वन इज़ नॉट एन ओपन सेट बिकॉज इज़ नॉट एन ओपन सेट सॉरी हाँ इज नॉट एन ओपन सेट बिकॉज ज़ीरो इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट, ज़ीरो इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल ए, ज़ीरो इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल ए एज एज, ये तीनों लाइन उतार लीजिए और ये डायग्राम बना लीजिए। हो गया भाई? हो गया। दूसरा अब आप लोग बताइए, ओपन इंटरवल बराबर है ओपन स्पेयर के, ओपन स्पेयर ओपन सेट, तो ये हमारा क्या होगा? ओपन सेट, क्योंकि ज़ीरो भी इसमें बिलोंग नहीं करेगा, वन भी बिलोंग नहीं करेगा, बाउंड्री तो बिलोंग ही नहीं कर रही है, तो जो बचे हैं वो सब तो अंदर ही हैं, तो अंदर के पॉइंट तो कैसे पॉइंट होते हैं? इंटीरियर पॉइंट। अगर ये सेट ओपन होगा तो इसके सारे पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर में बोले कि जो बाहर है वो इंटीरियर नहीं है, जो अंदर है वो इंटीरियर है, जो बाउंड्री पे है उसको चेक करना पड़ेगा, बाहर कोई है नहीं, अंदर में सब इसके बीच के हैं, बीच वाले तो सारे पॉइंट होंगे ही होंगे। भाई ज़ीरो से वन के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे
वही सब हमारे बी में है। तो अंदर के तो सब पॉइंट इंटीरियर होते ही हैं, बाउंड्री को चेक करते हैं, चूँकि ये ओपन है दोनों तो बाउंड्री तो इसमें एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, तो चेक करने वाली कोई बात ही नहीं है, है ना। इसका मतलब ये ओपन सेट होगा। दूसरा तरीका, ओपन इंटरवल इज़ एन ओपन स्पेयर, ओपन स्पेयर इज़ एन ओपन सेट, तो ये भी हमारा क्या होगा, ओपन सेट होगा। इसको देखिए, ये सिंस ऑल द पॉइंट ऑफ इट इंटीरियर पॉइंट हेंस इट इज़ एन ओपन सेट, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, इसको इसको इसी की तरह कर ले जाएंगे, ज़ीरो तो इसमें है ही नहीं, वन बाउंड्री पे है, वन को चेक करेंगे तो इधर की तरफ निकल जाएगा, इधर की तरफ निकल जाएगा तो वो उसमें कंटेन नहीं करेगा, कंटेन नहीं करेगा तो ओपन सेट नहीं होगा, क्लियर। इसमें जो पॉइंट ओपन नहीं बन, इंटीरियर नहीं बनेगा, वो पॉइंट क्या होगा, वन, वन आई पी नहीं बनाएगा। जैसे ही वन इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसका मतलब वो सेट हमारा ओपन नहीं है। ये देखिए, इसमें ज़ीरो भी ओपन नहीं बनाएगा, वन भी ओपन नहीं बनाएगा, क्योंकि दोनों बाउंड्री पे है। जब ज़ीरो को सेंटर मान के ओपन स्पेयर खींचेंगे तो वो भी बाहर, जब वन को सेंटर मान करके ओपन स्पेयर खींचेंगे तो वो भी बाहर, तो ये दोनों ही पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे, ठीक। ये इसको देखिए, ओपन इंटरवल ओपन स्पेयर, ओपन स्पेयर ओपन सेट, तो ये ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है। पढ़ा आपने आर्बिटेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन, दो ओपन सेट का यूनियन लेंगे चाहे फाइनाइट चाहे इनफाइनाइट तो वो भी क्या होगा, ओपन। तो ये क्या हो गया, ओपन। लिखेंगे कैसे, ओपन इंटरवल इज एन ओपन, सिंस इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस ओपन स्पेयर इज एन ओपन इंटरवल एंड ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, देयरफॉर ये हमारा ओपन सेट, ये भी ओपन सेट और ये भी ओपन सेट। फिर कहिएगा आर्बिटेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्लियर। बात समझ में आई। इसको देखिए, कई बार प्रूफ कराए हैं, सिंगलटन एक्स नहीं करता है, अगर ये ओपन होगा तो इसका हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट, वन को सेंटर मान के एप्साइलन रेडियस का ओपन स्पेयर खींचेंगे तो आएगा वन माइनस एप्साइलन कॉमा वन प्लस एप्साइलन, बिटवीन टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर, इसमें इनफाइनाइट मेंबर है और इनफाइनाइट मेंबर कभी भी सिंगल सेट में कंटेन नहीं करेंगे। जब ये इसमें कंटेन नहीं किया तो ये इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ, इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ तो ये सेट ओपन नहीं हुआ, ठीक है। एक बार ये हम आपको बता रहे थे कि एक्स वाई जेड कुछ भी लेके प्रूफ कर सकते हैं, आपने कहा था सिंगलटन ही सेट लेंगे, हम कहने ये ले लीजिए। इसको प्रूफ करेंगे तो बात वही पड़ेगी, वन को सेंटर मान करके ओपन स्पेयर बनाए, ये मिला, इसमें कितने मेंबर्स होंगे, इनफाइनाइट, इसमें कितने मेंबर हैं, तीन, क्या इनफाइनाइट मेंबर तीन मेंबर वाले सेट में कंटेन कर जाएंगे, नहीं, छोटा बड़े में कंटेन करता है ना। एक सेट में हमारे पास इनफाइनाइट मेंबर है, एक सेट में हमारे पास तीन मेंबर है, तो बड़ा वाला कैसे छोटे वाले में कंटेन करेगा, नहीं करेगा ना, नहीं करेगा ना। एक कमरे में 100 मेंबर है, एक कमरे में तीन मेंबर है, तो क्या 100 वाले तीन में आ जाएंगे, एक कमरे में 100 मेंबर है, एक कमरे में तीन मेंबर है, तो क्या 100 वाले तीन में कंटेन कर जाएंगे, नहीं, तीन वाले 100 में कंटेन करेंगे, मतलब ये भी इसमें कंटेन नहीं करेगा, तो ये भी सेट हमारा ओपन नहीं होगा। ये ओपन नहीं, लिखने का तरीका ये ओपन नहीं, लिखने का तरीका ये, दिस इज ओपन सेट, आर्बिटेरी यूनियन से इसका डिस्क्रिप्शन देंगे, दिस इज नॉट ओपन सेट क्योंकि ज़ीरो और वन दोनों बाहर निकल जाएगा, दिस इज नॉट ओपन सेट क्योंकि वन को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर बाहर निकल जाएगा, दिस इज ओपन सेट क्योंकि ज़ीरो और वन दोनों नहीं होंगे, बाकी बीच के पॉइंट तो इंटीरियर पॉइंट बनेंगे ही बनेंगे, दिस इज ऑल्सो नॉट ओपन क्योंकि ज़ीरो को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये सब खूब पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में भी, एग्जामिनेशन में भी, वाइवा में भी, और ये आपको आना चाहिए।
हो जाए तो बताइए। हो गया, समझ में आया अब आप लोगों को ये करने का तरीका? अमृता आपको आया? हो जाएगा। नेक्स्ट बोले, थ्योरम लिखिए, लगा लीजिए इम्पोर्टेंट, लिखिए। आ सेट जी इज ओपन, आ सेट जी इज ओपन इफ एंड ओनली इफ, आ सेट जी इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर्स, इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर्स। मंडे को आपका क्लास रहेगा, कल ऑफ है ना, मंडे को आपका क्लास रहेगा सर का, ठीक। लिखिए, अ सेट जी इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर्स। देखिए क्या कह रहा है, पहले तो ये बताइए कि इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है। वाइस वर्सा कंडीशन, मतलब एक बार पहले वाले को ट्रू मानते हैं दूसरे को प्रूफ करते हैं, एक बार दूसरे को ट्रू मानते हैं और पहले वाले को प्रूफ करते हैं। इसमें पहले में कहा है कि जी हमारा ओपन सेट है, तो प्रूफ कह रहा करना है जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर्स, जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर्स। एक बार इसको ट्रू मानेंगे ये प्रूफ करेंगे, एक बार इसको ट्रू मानेंगे और ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसमें थ्योरम क्यों इम्पॉर्टेंट है, बहुत से इसमें माइन्यूट चीज़ों का यूज़ होता है। फर्स्ट माइन्यूट चीज़, एक्स कॉमा डी कोई मेट्रिक स्पेस है, ये इसका कोई सेट है जी, ठीक। मान लीजिए जी में चार मेंबर हैं, A1, A2, A3, A4। जी में चार मेंबर हैं A1, A2, A3, A4। तो लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू A1, A2, A3, A4। गलत तो नहीं लिख दिए भाई? किसी सेट ए में तीन मेंबर हैं 1, 2, 3, तो आप ऐसे ही तो लिखते थे 1, 2, 3, यही ना लिखते थे? तो इसी तरह से किसी सेट में चार मेंबर हैं A1, A2, A3, A4, तो मैं ऐसे लिख दिए। इसको लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू सिंगलेटन A1 यूनियन सिंगलेटन A2 यूनियन सिंगलेटन A3 यूनियन सिंगलेटन A4, ठीक। इसको लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ An, N इज इक्वल टू 1, 2, 4, ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ें। पहली माइन्यूट चीज़। दूसरी चीज़, किसी भी ओपन स्पेयर में कुछ हो या ना हो, मरी से मरी हालत में उसका सेंटर ज़रूर होता है ना। दूसरी, तीसरी माइन्यूट चीज़, ओपन सेट, ये सेट है, ये सेंटर मतलब ये एलिमेंट है। ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, ये सेट है, ये मेंबर है, ठीक है। मेंबर सेट में बिलोंग करता है, मेंबर सेट में बिलोंग करता है, लेकिन सेट सेट में कंटेन करता है, सेट सेट में कंटेन करता है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है और ये सेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसमें भी एक ही मेंबर है एक्स, इसमें भी एक ही मेंबर है एक्स। सेट सेट के अंदर कंटेन करता है। सेट को लिखने का तरीका होता है कर्ली ब्रेसल्स में, ठीक है। सेट थियरी में पहला आपने पढ़ा था रोस्टर कोलर मेथड, पता नहीं कौन कौन सा मेथड पढ़ा था,
करली ब्रैकेट वाला, ठीक है, हाँ जो भी, और ये एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है। तो कभी ये लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ये मैट्रिक स्पेस का सबसे बेसिक चीज़ हम आपको बताएं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, चलिए लिखिए। पहले केस में हम मान लेंगे कि जी हमारा ओपन सेट है। अगर जी ओपन सेट होगा तो उसका हर एक मेंबर उसका इंटीरियर पॉइंट होगा। अगर जी ओपन सेट है तो सेट का हर एक मेंबर उसका इंटीरियर पॉइंट। अगर एक्स जी में पाया जाएगा तो एक्स जी का क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट। एक्स जी का इंटीरियर पॉइंट है मतलब एक्स को सेंटर, आर को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर, जी में ही क्या करेगा, कंटेन करेगा। इतनी बात क्लियर है, लिखिए प्रूफ में लिखिए। लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड जी बी एनी ओपन सेट, एंड जी कैपिटल जी बी एनी ओपन सेट इन एक्स कॉमा डी, एंड जी बी एनी ओपन सेट इन एक्स कॉमा डी। फिर नीचे से लिखिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी बी एनी आर्बिटेरी पॉइंट, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी बी एनी आर्बिटेरी पॉइंट देन एक्स बी द इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी। सहमत है इस बात से? देन एक्स बी द इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी, देन एक्स बी द इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी। सहमत है? जी ओपन सेट है, अगर जी ओपन सेट होगा तो जी का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, मतलब एक्स जी का कैसा पॉइंट होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। आगे बढ़े, ठीक है। अगर एक्स जी में पाया जा रहा है तो एक्स को सेंटर मान करके एक ओपन स्पेयर खींचा जाएगा जो जी में क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। मान ले रहे हैं एक्स के करस्पॉन्डिंग जो रेडियस है वो आर एक्स है, इसके करस्पॉन्डिंग जो रेडियस है वो आर वन है, इसके करस्पॉन्डिंग जो रेडियस है वो आर टू है, इसके करस्पॉन्डिंग जो रेडियस है वो आर थ्री है, इसके करस्पॉन्डिंग जो रेडियस है वो आर फोर है, ठीक। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट आर एक्स ग्रेटर देन जीरो सच दैट, अगर एक्स जी का इंटीरियर पॉइंट है तो एक्स को सेंटर, आर को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर जी में कंटेन कर जाएगा, ठीक। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। सहमत है? क्योंकि जी कैसा सेट है, ओपन सेट, तो जी के हर एक पॉइंट के लिए घटना घटित होगी, ठीक है। लिखिए, आप लोगों को तो इतनी सुविधा है, आप लोग शहर में रहते हैं, आके पढ़ सकते हैं। इधर में 3-4 दिन सब व्यस्त तो बहुत ज़्यादा थे, बस यही था, लेकिन पढ़ाना है, बस पढ़ाना है, चाहे 1.5 घंटा चाहे 2 घंटा पढ़ाना है, बस दिमाग में एक चीज़ सेट थी। परसों नरसों हमको यूट्यूब पे मेरे एक बच्चे ने मैसेज किया, मतलब पता नहीं किस एरिया का नाम भी वो हमको बताया, तो मतलब बहुत वो बैकवर्ड एरिया है,
तो उसने मेरा पहले का कभी का वीडियो देखा होगा, वो भी डिफरेंशियल ज्योमेट्री का ही वीडियो पहले भी डला हुआ है क्लास ओपन में, कहा कि मैम मतलब हम आपको बता नहीं सकते कि हम जैसे बच्चों के लिए एकदम वरदान साबित होता है, हम लोग को कोई नहीं है पढ़ाने वाला, कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं है कि जिससे हम कुछ डिस्कस कर सकें, और हम लोग इतने पिछड़े एरिया में रहते हैं कि हम लोग को अगर मोबाइल रिचार्ज कराए, नेट पैक डलवाए और ये चीज़ देखने को मिल गई तो मतलब हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो उसने हमसे रिक्वेस्ट किया कि मैम इसके आगे का वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगी क्या, जल्दी में थे हम उसको यही लिख के भेजे कि इट इज़ अ पेएबल क्लास सॉरी, तो उसका आया कोई बात नहीं मैम मतलब लेकिन हम आपको दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपके उस लेक्चर ने मेरा कंसेप्ट बहुत क्लियर कर दिया, उस बच्चे की बात अभी तक मेरे दिमाग से निकली नहीं, मतलब हमको यही लगा हम जल्दबाजी में उसको रिप्लाई तो कर दिए लेकिन अभी तक वो 3 दिन हो गया उस बात को मेरे दिमाग में वो बात घूम रही है कि बताओ ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनको पढ़ने का रिसोर्स नहीं मिलता। जैसे आप लोग यूट्यूब पे देखिए तो यूट्यूब पे बाकी भी जो आपको वीडियो मिलेगा बहुत हाई लेवल का मिलेगा, जैसे हम भी जब यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किए थे तो हमको आइडिया नहीं था कि कैसे बनता है, हमने शुरू किया था 1 अप्रैल से बनाना, 1 अप्रैल को पहला क्लास लिया था तो हमको आइडिया नहीं था, उसमें मेरे पास ब्लैक बोर्ड वगैरह भी नहीं था, लिख करके बनाते थे कॉपी में, फिर दूसरों का देखा वास्तव में यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स बहुत हाई लेवल के हैं, उसको बच्चे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो उसकी वो बात हमको अभी तक नहीं भूली लेकिन हम वही सोचे उससे एक बार फिर कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे कि हम जल्दी में रिप्लाई तो कर दिए लेकिन एक बार उसकी बात को समझना चाहिए कि अगला कह क्या रहा है, किसी का भला हो जाए पढ़ने से तो क्या जा रहा है यार, हम तो कहते हैं शिक्षा तो एकदम फ्री होनी चाहिए, कोई पढ़ना चाह रहा है पढ़ ले रहा है क्या हो गया पढ़ ले, उसमें इतना दिमाग क्यों लड़ाना, ठीक है। बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी जगह भी हैं कि लोग पढ़ना चाहते हैं। अब देखिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ची, चीज़ें किसके लिए बदल रही हैं, एक्स के लिए, एक्स कहाँ पाया जा रहा है जी में। अब हम वही चीज़ A1 के लिए लिखेंगे, फिर A2 के लिए लिखेंगे, फिर A3 के लिए लिखेंगे, फिर A4 के लिए लिखेंगे, जितने सारे पॉइंट होंगे सबके लिए लिखेंगे, तो सब में यहाँ जी आएगा, सबका यूनियन ले लीजिए, यूनियन लेंगे तो जी का जी से यूनियन लेते जाएंगे तो जी ही मिलेगा आइडमपोटेंट से, लेकिन यहाँ की तरफ जैसे ही आप यूनियन लेंगे आपको पता है यूनियन किस पे वैरी कर रहा है, एक्स पे। पहले आपने एक्स के लिए एक्सप्रेशन लिखा, फिर A1 के लिए लिखा, फिर A2 के लिए लिखा, फिर A3 के लिए लिखा, फिर A4 के लिए लिखा, A5 के लिए लिखा, दैट मीन्स यूनियन वैरी कर रहा है जी के हर एक मेंबर के लिए, है ना। तो अगर हम यूनियन लेते तो सेम यही एक्सप्रेशन मिलेगा, यूनियन लेते ही ये चीज़ हट जाएगी क्योंकि यही चीज़ घिसक करके यहाँ आ गई, ठीक। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने इसको ट्रू माना था, हमको ये सिद्ध करना था दो सेट आपस में बराबर तब होते हैं जब पहला वाला दूसरे में कंटेन करता है और दूसरा वाला पहले में, तो अगर हमको ये चीज़ सिद्ध करनी थी तो ये ओपन सेट मतलब सेट, ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट मतलब ये भी सेट, एक सेट को दूसरे के बराबर दिखाने का मतलब एक बार एक को कंटेन दूसरे में, एक बार दूसरे को कंटेन पहले में, तो हमने इस एक्सप्रेशन से एक सेट को दूसरे में कंटेन दिखा दिया। अब दूसरे को किस में कंटेन दिखाएंगे, पहले वाले में, क्लियर है, समझ में आया ये चीज़। अब देखिए आगे देखिए, अगेन इसका सहारा ले रहे हैं, अगेन जी इज इक्वल टू, जी को आप ऐसे लिख सकते हैं, क्यों जी को आप ऐसे लिख सकते हैं, जी को आप ऐसे लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ सिंगलेटन एक्स, जहां एक्स किसका मेंबर था, जी का, ठीक है। किसी भी ओपन स्पेयर में कुछ हो या ना हो उसका सेंटर जरूर होता है, और सेट के फॉर्म में लिखते हैं तो कहते हैं सिंस सिंगलेटन एक्स इज कंटेन्ड इन एस एक्स आर, दिस इंप्लाइज जी इज इक्वल टू यूनियन X belongs to G, singleton X contained in union की जगह union,
सिंगलेटन एक्स की जगह एस एक्स आर, एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, आपको समझ में आया? जी इज इक्वल टू यूनियन, जी इज इक्वल टू यूनियन एक्स एक्स, लेकिन एक्स तो किसके किसमें कंटेन कर रहा है? एस एक्स आर में। एक्स किसमें कंटेन कर रहा है? एस एक्स आर में। एक्स कंटेन कर रहा है एस एक्स आर में, तो यूनियन की जगह यूनियन, सिंगलटन एक्स, सिंगलटन एक्स, कंटेनमेंट की जगह कंटेनमेंट एस एक्स आर, यूनियन की जगह यूनियन एस एच रख दिया। ठीक है, आगे बढ़े। दिस इम्प्लाइज दैट जी इज कंटेंड इन यूनियन एस एक्स आर, एक्स बिलोंग्स टू जी, इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, कंबाइंड कर दीजिए वन और टू को। कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, जैसे ही कंबाइंड करेंगे आपको मिलेगा जी इज इक्वल टू यूनियन एस एक्स आर, एक्स बिलोंग्स टू जी। मतलब ओपन सेट कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ है। कहाँ तक लिखा आपने? इक्वेशन वन तक उतार के छोड़िए, वन तक उतारिए। हो गया वन तक? नीचे से लिखिए अगेन, अगेन जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगेन जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, पूरा उतार लीजिए। बेसिक समझ में आया कैसे लिखा गया है? इसीलिए बेसिक मैंने आपको पहले ही समझा दिया था ये तीन चार स्टेप्स में, मतलब यही बस मोटा मोटी इसमें समझना होता है। इसी को समझ में अगर आ गया तो थ्योरम समझ में आ जाता है, वरना समझ में नहीं आता है। ठीक है, आप चाहें तो ये डायग्राम के साथ ये इतना बेसिक आप कहीं लिख सकते हैं, ये इतना बेसिक है, ये बेसिक है पूरा।
मंडे को नए नेबरहुड शुरू हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेबरहुड क्लोज्ड सेट, सब कुछ अंत तक वही है। नहीं इसमें कुछ इसीलिए बोले इसमें बिना प्रैक्टिस के, एक तो एनालिसिस है वो भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो अगर कोई भी एक चीज़ आपकी मिसिंग है सब मिसिंग है। इसीलिए कोशिश करिए, देखिए भाई जो है आपके हाथ में कोशिश करिए क्लास मिस ना हो, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज़ कोशिश करिए कि जो आज आपने पढ़ा उसको घर जाके पढ़िए ताकि वो दिमाग में उतरे, क्योंकि जब तक मैट्रिक स्पेस में कहानी हम सुनाते हैं बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कहानी जब आप पढ़ते हैं तो उतनी ही कठिन लगती है, ये इसका फैक्ट है। वरना हम मैट्रिक स्पेस पेपर ना उठाते ना शुरू करते, मतलब मैट्रिक स्पेस एक ऐसा पेपर है जिसने हमको पहचान दी। अगर शहर में कहीं कोई हमको जानता है तो वो कहता है मैट्रिक स्पेस बहुत अच्छा पढ़ाती हैं ये, इसलिए हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस पेपर को उठाते हैं। हो गया भाई, अपनी अपनी बात है भाई, समझाते सबको ये समझ में आने वाली बात है, किसी को आता है किसी को नहीं। मतलब हमने 3-4 साल मैट्रिक स्पेस पढ़ाया, जितनी पहचान इसने हमको दिलाई हमको किसी पेपर ने नहीं दिलाई, बहुत पहचान दिलाई इस पेपर ने। मतलब सबको ये था कि बहुत अच्छा मैम पढ़ाती है, मैम अच्छा पढ़ाती, अच्छा पढ़ाती है, इसीलिए हमने मैट्रिक स्पेस पहले ही उठा लिया। अब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उतना हमको डीप में नहीं समझाना जितना हमने एक महीना पहले आपको समझाया। अब आपका बेस तैयार हो चुका है, आपको पता है एक्स कॉमा डी क्या है, डी कैसे लिखते हैं, डी क्या चीज़ है, कैसे डिफाइन करते हैं, अब आपका बेस तैयार हो चुका है। हो गया भाई, आपने फर्स्ट से सेकेंड प्रूफ कर दिया। अब कन्वर्ट्स पार्ट में सेकंड पार्ट से इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे। सेकंड में मान लेंगे कि जी कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर, देन वी हैव टू शो दैट जी इज एन ओपन सेट, ठीक है। नीचे से इसके लिखिए, इसके नीचे से लिखिए, दस जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, दस जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर्स, दस जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर्स, दस जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर्स। हो गया, लिखिए कन्वर्स, कन्वर्सली, कन्वर्सली लिखिए, लेट लेट जी कैन बी रिटन एज, लेट जी कैन बी एक्सप्रेस्ड या रिटन एज, जी कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर्स, यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर्स दैट इज, दैट इज ये जी इज इक्वल टू यूनियन एक्स बिलोंग्स टू जी एस एक्स आर, यूनियन एक्स बिलोंग्स टू जी एस एक्स आर, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, जी कैसा होगा, ओपन होगा। प्रूफ क्या करना है, जी इज एन ओपन सेट। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट को ट्रू माना, सेकेंड को प्रूफ किया, सेकेंड पार्ट में सेकेंड को ट्रू मानेंगे और फर्स्ट को प्रूफ करेंगे, ठीक है। नीचे से लिखिए, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट जी इज एन ओपन सेट, देन वी हैव टू प्रूव दैट जी इज एन ओपन सेट। हो गया, देखिए थ्योरम पढ़ा था आपने, ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, ओपन स्पेयर क्या होते हैं, ओपन सेट, तो ये ओपन सेट है। फिर आपने कहा था आर्बिटेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन, ओपन सेट्स का आर्बिटेरी यूनियन भी कैसा होता है, ओपन।
तो ये पूरा का पूरा ओपन हो गया, चूँकि ये इसके बराबर है तो ये भी क्या हो गया, ओपन हो गया। ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, ये ओपन हो गया। दूसरा थ्योरम, आर्बिटेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन सेट, तो ये पूरा ओपन सेट हो गया, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये भी सेट कैसा होगा, ओपन होगा। ठीक, लिखिए, सिंस वी नो दैट इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट इन्वर्टेड कॉमा बंद, नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज एस एक्स आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, इज एन ओपन सेट। क्यों भाई? ठीक है, फिर नीचे से लिखिए, अगेन सिंस वी नो दैट इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, आर्बिटेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ओपन, नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज यूनियन एक्स बिलोंग्स टू जी एस एक्स आर इज एन ओपन सेट, this implies union x belongs to g s x r is an open set. ठीक, लेकिन ये तो इसके बराबर है g के, नीचे से लिखिए, since g is equal to union x belongs to g s x r, नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज g इज एन ओपन सेट, ठीक है, थ्योरम समझ में आया? ये थ्योरम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये किसी भी ओपन सेट के कंस्ट्रक्शन को डिफाइन करता है। इस थ्योरम ने ये बता दिया कि कोई भी ओपन सेट का कंस्ट्रक्शन ओपन स्पेयर के कारण हुआ है। तो अगर ये सेट ओपन है तो इसको अगर हमको बनाना है तो इसको हमको बनाने के लिए ओपन स्पेयर का सहारा लेना पड़ेगा। इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके चारों तरफ हम ओपन स्पेयर को बना देंगे और जैसे ही हम उन ओपन स्पेयर्स का कलेक्शन लेंगे वो हमको जी दे देगा। ठीक है, तो ये पहचान करना बताता है कि दिया गया सेट ओपन है या नहीं। अगर कोई सेट ओपन होगा तो डैम श्योरली वो यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर के फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर वो यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर के फॉर्म में लिखा गया तो वो ओपन सेट है, अदरवाइज वो ओपन सेट नहीं है। अभी तक आपने ओपन को जज करने की केवल एक पहचान पढ़ी थी कि उसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट। तो हम करते क्या थे कि जो पॉइंट सेट के बाहर है वो तो 101% ओपन इंटीरियर पॉइंट नहीं है, जो एकदम अंदर है वो इंटीरियर पॉइंट है, जो बाउंड्री पे है उनको हम चेक करते थे। तो कहते थे कि अगर किसी सेट के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो वो सेट ओपन होगा। आज के बाद अब हम कहेंगे कि अगर किसी सेट को यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर्स के फॉर्म में आपने लिख दिया तो वो सेट ओपन है, वरना वो सेट ओपन नहीं है। क्लियर? नीचे से लिखिए रिमार्क,
रिमार्क लिखिए, द एबव थ्योरम कंप्लीटली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओपन सेट दैट इज द ओपन सेट is composed of open spares. मतलब open set किसके द्वारा बना होता है? Open spares के द्वारा. ठीक है, theorem next. जो next theorem हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुल मिलाकर के 8 पॉइंट हैं. 8 पॉइंट हमको प्रूफ करने होते हैं. हम एक एक पॉइंट लिखवा रहे हैं, एक एक पॉइंट का प्रूफ लिखवा रहे हैं, जिससे हमारा समय ना बर्बाद हो. ठीक है, लिखिए थ्योरम में. लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस. देन प्रूफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स. Let x comma d be a metric space, then prove the following results. ये interior point का last topic है. ठीक है, ये वाला theorem. इसके बाद हम लोग neighborhood पढ़ेंगे सीधे. Let x comma d be a metric space, then prove the following results. पहला point. लिखिए, interior of any set is open set. Interior of any set is an open set. Open set का ये तीसरा important result. Interior of any set is an open set. डालिए proof. ओपन सेट की पहली परिभाषा क्या बताई गई? कोई भी सेट ओपन होगा तब जब उसके सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट हो. तो उसके लिए कहा गया कि जो सेट के बाहर है वो, यही लिखना है पहला पॉइंट, जो सेट के बाहर है वो 101% इंटीरियर पॉइंट नहीं है, जो सेट के अंदर है वो इंटीरियर पॉइंट है, जो बाउंड्री पे है यू शुड हैव टू चेक. अगर सारे पॉइंट्स इंटीरियर हो गए तो वो ओपन सेट है, वरना वो ओपन सेट नहीं है. दूसरा रिजल्ट हमने बताया कि अगर किसी सेट को यूनियन ऑफ ओपन स्पेयर्स के फॉर्म में आपने लिख दिया तो दिया गया सेट ओपन सेट होगा, वरना वो सेट ओपन नहीं होगा. तीसरे रिजल्ट को हम एक बार पहले भी बताए हुए हैं. इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट. मान ले रहे हैं एक्स कॉमा डी कोई मेट्रिक स्पेस है, ए उसका कोई सबसेट है. इंटीरियर ऑफ एनी सेट का इंटीरियर हमेशा ओपन सेट होगा. मतलब अगर हमको प्रूफ करना है कि कोई सेट ओपन है तो हम उसका ए इंटीरियर निकालेंगे. ए इंटीरियर निकालने के बाद अगर सारे पॉइंट्स उसमें आ गए तो वो सेट ओपन होगा, वरना वो सेट ओपन नहीं होगा. कहीं पे भी आप ये देखिए और कोई पूछे किसके बारे में क्या जानते हैं तो कहिएगा कि ये किसी सेट ए का इंटीरियर है. बात को पकड़िए, किसी सेट ए का इंटीरियर है. किसी सेट के इंटीरियर में उसी सेट के वो पॉइंट्स आते हैं जिनको सेंटर आर को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर उसी में कंटेन कर जाता है. ई इंटीरियर याद करिए, एक्स कॉमा डी मैट्रिक स्पेस था, ई उसका कोई सबसेट था. ई इंटीरियर में ई के ही पॉइंट्स आते हैं जिनको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ई में ही कंटेन करता है.
कहते एक्स कॉमा डी को डिफाइन करके भूल जाइए, अब पूरी कहानी ई के लिए ही फॉर्म होगी। ई इंटीरियर में ई के पॉइंट्स आएंगे जिनको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ई में ही कंटेन करेगा। ई इंटीरियर में ई के ही पॉइंट्स पाएंगे जिनको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ई में ही कंटेन करेगा, है ना। तो ये ई इंटीरियर की परिभाषा लिखवाए थे। तो कह रहा है ये हमेशा ओपन सेट होता है, ये हमेशा ओपन है, मतलब इसका हर एक पॉइंट हमेशा इसका इंटीरियर पॉइंट होता है। कितने सारे रिजल्ट बता दिए। ई इंटीरियर का मतलब ई इंटीरियर में ई के ही पॉइंट्स आएंगे जिनको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ई में ही कंटेन करेगा। ठीक, आपको सिद्ध करना है कि ये ओपन सेट होगा। ये ओपन सेट है मतलब इसके सारे पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट है ना। किया जाए कैसे करेंगे, देखिए वही पूरी कहानी। मान लेंगे कि x, d कोई मैट्रिक स्पेस है, हाँ मान लेंगे कि e उसका कोई आर्बिटेरी सबसेट है, e कोई आर्बिटेरी सबसेट है। अगर आर्बिटेरी सबसेट का इंटीरियर, आर्बिटेरी सबसेट का इंटीरियर ओपन बन गया, अगर आर्बिटेरी सबसेट का इंटीरियर ओपन बन गया तो सारे के सारे सेट का इंटीरियर ओपन बन जाएगा। हमको दिखाना है x, d के जितने भी सबसेट हैं सबका इंटीरियर लीजिए, वो सब ओपन बन जाएंगे। तो हमने क्या कहा, x, d का हमने आर्बिटेरी सबसेट ले लिया, x, d का आर्बिटेरी सबसेट। अगर आर्बिटेरी सबसेट का इंटीरियर ओपन बन गया तो सारे सबसेट का इंटीरियर ओपन हो जाएगा। ठीक, दिमाग में बस ये रखिए कि हमको इसको ओपन प्रूफ करना है। किसको ओपन प्रूफ करना है, ई इंटीरियर को ओपन प्रूफ करना है। तो ई इंटीरियर को ओपन प्रूफ करने के लिए इसके सारे पॉइंट्स को इसका इंटीरियर पॉइंट दिखाएंगे। अगर कोई सेट ओपन है तो उसके सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट, अगर कोई सेट ओपन है तो उसके सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट। हम करेंगे क्या, ई इंटीरियर में एक आर्बिटेरी पॉइंट लेंगे और दिखा देंगे वो इसका इंटीरियर पॉइंट बना रहा है। अगर आर्बिटेरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बनाएगा तो इसके सारे पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट बनाएंगे और ये सेट कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। किसी भी सेट को ओपन दिखाना है उसके आर्बिटेरी, इसका मतलब उसके सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट, बोलिए साथ में। कोई भी सेट ओपन होगा कब, जब उसके सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट। क्या करेंगे, आर्बिटेरी पॉइंट को लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एक रेडियस लेंगे, सेंटर और रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ई में कंटेन कर गया तो एक्स ई का इंटीरियर पॉइंट। एक्स आर्बिटेरी था तो सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट, सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गए तो वो सेट हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। तो किसी भी सेट को ओपन दिखाना हो तो उसके सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट, उसके लिए करेंगे क्या, आर्बिटेरी पॉइंट को लेंगे, आर्बिटेरी पॉइंट को सेंटर, आर को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ई में कंटेन कर गया तो वो सेट हमारा ओपन हो जाएगा। क्लियर है, अब इतनी कहानी लिखिए। लिखिए लेट लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ई इज सबसेट ऑफ एक्स, एंड ई इज सबसेट ऑफ एक्स, ऐसे ही इज कंटेन्ड इन एक्स, मतलब लेट एक्स कॉमा डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ई इज कंटेन्ड इन एक्स, ठीक इज कंटेन्ड इन एक्स, बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, बी एनी सबसेट ऑफ एक्स इज कंटेन्ड इन एक्स, बी एनी सबसेट ऑफ एक्स। ठीक, नीचे से लिखिए, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट
इंटीरियर ऑफ ई पूरा लिखिएगा आई एन टी ई आर आई ओ आर. देन वी हैव टू प्रूव दैट इंटीरियर ऑफ ई, इंटीरियर ऑफ ई ब्रैकेट में लिखिए दैट इज ई नॉट, दैट इज ई नॉट. इसको पढ़ते हैं इंटीरियर ऑफ ई. याद हम बीएससी फर्स्ट ईयर में थे, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसमें क्लास चल रहा था, सर ने पूछा था इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं. क्लास में एक मेरा ही जवाब सही था, सुबह का बैच था, आज तक हमको याद है. किसी ने कहा ई डैश, किसी ने कहा ई डेरिवेटिव, मेरे मुंह से निकला डेरिवेटिव ऑफ ई. क्या एक अकेली तुम ही सही बताई हो. इसको पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ ई. इसको ई इंटीरियर भले ही हम कभी जवानी भाषा में बोल जाएं, अलग बात है, कोई पूछे तो कहिएगा इंटीरियर ऑफ ई, क्योंकि हम जब लेक्चर देते हैं तो बहुत बार हम ई इंटीरियर कह देते हैं, लेकिन आप आज ही मेंशन कर दे रहे हैं कि इसको इंटीरियर ऑफ ई पढ़ा जाता है. हम ई इंटीरियर कई बार कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल क्या है, इंटीरियर ऑफ ई. देन वी हैव टू प्रूव दैट इंटीरियर ऑफ ई ब्रैकेट में दैट इज ई नॉट ब्रैकेट बंद इज एन ओपन सेट, इज एन ओपन सेट. ठीक है, आज आपको हम एक स्टैंडर्ड चीज समझा रहे हैं, अभी तक कभी लिखवाए नहीं, बताए नहीं, आज बता रहे हैं. किसी भी सेट को ओपन प्रूफ करना हो या क्लोज प्रूफ करना हो, दो पॉसिबिलिटी होती है. या तो वो सेट एम्प्टी होता है या तो वो सेट एम्प्टी नहीं होता है. एम्प्टी होगा तो आपको हम बता चुके हैं फाई इज ऑलवेज एन ओपन सेट, तो इस केस में ये हमेशा ओपन होगा, हमारे पास सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं है. लेकिन अगर ये एम्प्टी नहीं है तो उस केस में हम इसमें एक पॉइंट कंसीडर करेंगे और दिखा देंगे वो इसका क्या बना रहा है, इंटीरियर पॉइंट बना रहा है. ये स्टैंडर्ड है, जैसे ही आप बड़े राइटर्स की किताब खोलेंगे उसमें हर जगह आपको ये मिलेगा. कभी भी ओपन या क्लोज प्रूफ करना हो, पहली लाइन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. केस वन, इफ ई इज इक्वल टू फाई देन देयर इज नथिंग टू प्रूफ बिकॉज फाई इज ऑलवेज एन ओपन सेट. केस टू, ई डज नॉट इक्वल टू फाई, मतलब ई खाली नहीं है, ई में कम से कम एक पॉइंट है, तो मान लेंगे उसमें कोई एक पॉइंट क्या लेंगे, एक्स. अब हम इस चीज़ को मेंशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे स्टैंडर्डनेस की तरफ बढ़ रहे हैं. नीचे से लिखिए, देन देयर आर फॉलोइंग टू पॉसिबिलिटीज, देन देयर आर फॉलोइंग टू पॉसिबिलिटीज, देन देयर आर फॉलोइंग टू पॉसिबिलिटीज. केस वन, केस वन, केस वन, इफ ई इज इक्वल टू फाई, सॉरी किसको दिखाना है, ई इंटीरियर को. इफ ई इंटीरियर इज इक्वल टू फाई, इफ ई इंटीरियर इज इक्वल टू फाई, इफ ई इंटीरियर इज इक्वल टू फाई, नीचे से लिखिए, देन देयर इज नथिंग टू प्रूफ, देन देयर इज नथिंग टू प्रूफ, देन देयर इज नथिंग टू प्रूफ एंड ई इंटीरियर इज एन ओपन सेट, एंड ई इंटीरियर इज एन ओपन सेट, देन देयर इज नथिंग टू प्रूफ एंड E interior is an open set, and E interior is an open set. E interior ऐसे लिखाएगा, E interior is an open set. ठीक है, and E interior is an open set. Case two. ठीक है, केस टू लिखिए, इफ इफ
ई इंटीरियर डज नॉट इक्वल टू फाइव, इफ ई इंटीरियर डज नॉट इक्वल टू फाइव, मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है तो इसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर पाया जाएगा। नीचे से लिखिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू ई इंटीरियर, लेट एक्स बिलोंग्स टू ई इंटीरियर बी एनी आर्बिटेरी पॉइंट, लेट एक्स बिलोंग्स टू ई इंटीरियर बी एनी आर्बिटेरी पॉइंट। यहाँ देखिए, कॉपी के मार्जिन पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट लिख लीजिएगा। हमको भी 5-6 साल तक समझ में नहीं आया था कि ये कहानी क्या चलती है, बहुत दिमाग लड़ा के हमको बाद में वो चीज़ समझ में आई। कहीं लिखा हो x बिलोंग्स टू e इंटीरियर या y बिलोंग्स टू e इंटीरियर, तो इसका मतलब होता है y इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ e। ये कम से कम 15 से 20 बार आपकी कॉपी में यूज़ हुआ है और इतना सुपर कन्फ्यूज़न हमको होता था कि ये लिख कैसे रहा है, कभी ई इंटीरियर में बना देता है, कभी ई में बना देता है, कमबख्त कहानी चल क्या रही है, सही बता रहे हैं। उसके बाद इसे हम जब पढ़ाते तो हम ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में कॉपी के मार्जिन पर ही लिखवा देते हैं और कहते हैं हर बार कि कॉपी के मार्जिन पर लिखवाए थे याद करो। अगर y ई इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब y इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ e, या y e का इंटीरियर पॉइंट है तो y ई इंटीरियर में पाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, x कहाँ पाया जा रहा है, e इंटीरियर में, x कहाँ पाया जा रहा है, e इंटीरियर में, इसका क्या मतलब होगा, x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ e। देखिए e अलग चीज़ है, e इंटीरियर अलग चीज़ है, e हम लोग हैं, यहाँ हम खड़े हैं, ठीक है, हम लोग e हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब हम लोग e हैं, लेकिन e इंटीरियर की बात करेंगे तो हम उसमें नहीं हैं। क्यों, हम कमरे की बाउंड्री पे खड़े हैं, जैसे ही हम अपने आप को सेंटर मान करके ओपन स्पेयर खींचेंगे आधा ओपन स्पेयर कमरे के बाहर चला गया। तो ई में हम सब लोग हैं, ई इंटीरियर में हम नहीं हैं, क्योंकि हम कमरे की बाउंड्री पे खड़े हैं, जैसे ही हम अपने आप को सेंटर बना करके ओपन स्पेयर खींचेंगे वो ओपन स्पेयर कमरे के बाहर चला गया, मतलब हम इंटीरियर पॉइंट नहीं हैं। तो ई में हम सब आ गए लेकिन ई इंटीरियर में केवल इंटीरियर पॉइंट, हम इंटीरियर नहीं हैं क्योंकि हम बाउंड्री पे खड़े हैं और जैसे ही हम अपने आप को सेंटर मान के ओपन स्पेयर बनाएंगे हम कमरे के बाहर चले जाएंगे, ठीक है। ये फ़र्क है ई और ई इंटीरियर में। ई इंटीरियर में हमेशा इंटीरियर पॉइंट्स आते हैं, ई में सारे पॉइंट्स आते हैं। डिफरेंस समझ में आया। वो तब जब ई ओपन सेट होगा, इफ ई इज एन ओपन सेट देन ई नॉट इज इक्वल टू ई, ठीक है। मतलब किसी सेट के अगर सारे पॉइंट उसके लिमिट पॉइंट बन जाए तो ई इंटीरियर इंटीरियर पॉइंट बन जाए तो ई इंटीरियर इज इक्वल टू ई। पेज पलट के देख लीजिए, है ना, लिखा होगा इफ ई इज एन ओपन सेट देन ई इंटीरियर इज इक्वल टू ई। कहाँ ओपन सेट है, आपको प्रूफ करना है कि वो सेट ओपन होगा। आपको ये प्रूफ करना है कि किसी भी सेट का इंटीरियर कैसा होता है, ओपन सेट होता है, और अगर ओपन होगा तो ई इंटीरियर इज इक्वल टू ई। लेकिन हमको यहाँ प्रूफ करना है कि वो ओपन सेट होगा, ठीक है, मतलब उसका सब एक हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा, क्लियर है। जैसे अभी हम कमरे के अंदर हो तो ई में हम सब, ई इंटीरियर में भी हम सब, ई इंटीरियर इज इक्वल टू ई, मतलब ये कमरा जो है ओपन सेट बन गया। तुरंत हम चले गए बाउंड्री पे, ये रही मतलब मेरी बाउंड्री, ये ठीक, हमको सेंटर मान करके ओपन स्पेयर बनाइए, इस कमरे से बाहर चला गया। क्यों बाहर चला गया, क्योंकि वो ओपन स्पेयर इस कमरे की दहलीज से बाहर हो गया क्योंकि हम बाउंड्री पॉइंट हैं, तो हम इंटीरियर पॉइंट नहीं हैं। इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो ई इंटीरियर में हम नहीं होंगे, ई में होंगे, ई इंटीरियर में नहीं होंगे। तो जब ई इंटीरियर ई के बराबर नहीं हुआ तो वो ओपन सेट नहीं है। क्यों ओपन सेट नहीं, क्योंकि उसका ये पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्लियर। अब देखिए,
एक्स बिलोंग्स टू ई नॉट, एक्स बिलोंग्स टू ई नॉट का मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट पॉइंट ऑफ ई, इसीलिए वो लिखवाए हैं निष्कर्ष, वही रिजल्ट है, वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स ई का इंटीरियर पॉइंट है, क्या मतलब हुआ, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट आर एक्स ग्रेटर देन जीरो सच दैट, अगर एक्स ई का इंटीरियर पॉइंट है तो एक्स को सेंटर, आर को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ई में क्या करेगा, कंटेन करेगा, ठीक है। लिखिए इतना, कहाँ तक लिखा आप लोगों ने, आर्बिटेरी पॉइंट, नीचे से लिखिए ये तीन लाइन, पढ़िएगा घर जाके, वरना जो क्लास का कन्फ्यूज़न है वो एकदम कन्फ्यूज़न रह जाएगा। मैट्रिक स्पेस को एकदम लाइटली मत लीजिएगा, कई बार हम सचेत कर रहे हैं, दिक्कत में आप आ जाएंगे। हो गया, अच्छा क्या सिद्ध करना है, कोई हमको बता पाएगा, बस इतनी सी बात बता दो क्या सिद्ध करना है। ई इंटीरियर को क्या दिखाना है, ओपन सेट, ओपन सेट दिखाने का क्या मतलब हुआ, इसका हर एक पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट, इसका आर्बिटेरी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट, आर्बिटेरी पॉइंट कौन है एक्स, वो इसका क्या बनना चाहिए इंटीरियर पॉइंट, अगर ये इसका इंटीरियर पॉइंट है तो एक्स को सेंटर, आर को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ई इंटीरियर में कंटेन करेगा, जैसे ये इंटीरियर में कंटेन करेगा ये इसका कौन सा पॉइंट होगा इंटीरियर पॉइंट, आर्बिटेरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, सेट ओपन हो जाएगा। अब हमको ये बताइए एक सेट को दूसरे में कंटेन दिखाना होता है तो क्या करते हैं, वेरी गुड, एक सेट को दूसरे में कंटेन दिखाना है तो इसमें एक एलिमेंट ले करके चलेंगे और दिखा देंगे वो इसमें पाया जा रहा है, ठीक। अगर हमको इसको इसमें कंटेन दिखाना है तो एक एलिमेंट हम इसमें ले करके चलेंगे और दिखा देंगे वो इसमें पाया जा रहा है, क्लियर। इक्वेशन नंबर वन, अब देखिए लेट y बिलोंग्स टू एस एक्स आर एक्स बी एनी आर्बिटेरी पॉइंट, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये आप लोगों को एक बार रिजल्ट हम लिखवाए थे, ये क्या लिखवाए थे कि ये अगर इसमें पाया जाएगा सिंस ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट, लिखवाया गया है ओपन स्पेयर कैसा होता है ओपन सेट, तो ये ओपन सेट बन गया, ओपन सेट का हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, दिस इम्प्लाइज एस एक्स आर एक्स इज एन ओपन सेट, ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट एंड वाई बिलोंग्स टू एस एक्स आर एक्स, ये ओपन सेट उसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट आर डैश ग्रेटर देन जीरो सच दैट, इसको सेंटर, आर डैश को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर एस एक्स आर एक्स में कंटेन कर जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, उतारिए। इक्वेशन नंबर टू, बहुत माइन्यूटली समझिए एक एक चीज़, वरना बहुत गंदा गच्चा देती है ये चीज़ें, पढ़िए, पढ़ के कॉपी बंद करिए और लिखिए, एग्ज़ाम में पेन चलेगा नहीं।
जब तक हम कहानी सुनाएंगे तब तक अच्छा लगेगा, जब आप कहानी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। कई बार हम ये बोल चुके हैं। कम से कम एक थ्योरम 4 से 5 बार प्रैक्टिस मांगेगा, ये मेरा अनुभव है। जब आप 4 से 5 बार उसको लिख लेंगी, अब 4 से 5 बार आप डिसाइड करिए कि 4 से 5 बार एग्ज़ाम के पहले लिखना है, 1 महीने में 1 बार लिखना है, 1 हफ्ते में 1 बार लिखना है, या 2 दिन में 5 बार लिखना है। अब वो भाई आप पे निर्भर करता है, वही आपकी चीज़ें आपको औरों से अलग बनाती हैं। हम तो 2 दिन में 5 बार लिखते थे, ताकि 6वीं या 7वीं बार जब एग्ज़ाम में लिखते थे तो वो एकदम रट जाती थी। तो आपकी मेहनत आपको लोगों से अलग बनाएगी। मेहनत कैसे करनी है वो आप सोचिए। घर जाइए, पढ़िए, पढ़ करके बंद करके दिमाग में सोचिए, रफ किनारे स्केच बना के लिखिए जैसे हम बना करके लिखते हैं, उसके बाद पूरा लिखिए, देखिए कहाँ अटक रहे हैं। ये मतलब होता है लिखने का। ये जो हम रफ बनाते हैं, ये मेरा हाथ क्यों सेट हुआ, क्योंकि हम ऐसे ही पढ़ते हैं। ये जो रफ हम इतना बना के बता रहे हैं आपको, ये इसलिए सेट हुआ क्योंकि हम ऐसे ही पढ़ते हैं। लिखने का मतलब ये थोड़ी ना है बी एन इंटीरियर पॉइंट भी आप लिखें, नॉर्मल लिखिए, तीरा तीरी बनाइए, इंटीरियर पॉइंट है, बात ख़त्म। आप अपने समझने के लिए पढ़िए। अभी तो आगे ऐसे ऐसे थ्योरम आएंगे जो 8-8, 10-10 स्टेप में होने हैं, तो उसमें स्टेप हम लिखते जाएंगे कि इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है, इसको प्रूफ करने के लिए करना, तो आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए स्पेस कमांड होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़े, अब देखिए जरा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करवाइए। लिखिए कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। देखिए ब्लैक बोर्ड पे, यहाँ से शुरू करिए कंबाइन करना, यहाँ से। हाँ, तो एस वाई आर डैश कंटेंड इन एस एक्स आर एक्स, एस एक्स आर एक्स इज कंटेंड इन ई। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको ड्रॉप कर दीजिए, एस वाई आर डैश इज कंटेंड इन ई। क्या मतलब हुआ? वेरी गुड, वाई इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई, दिस इम्प्लाइज वाई इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई। जरा ऊपर देखिए, वाई इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई, इसका मतलब होता है वाई बिलोंग्स टू ई इंटीरियर। अब देखिए, आप तो वाई को लेकर के चले थे, आप तो वाई को लेकर के चले थे एस एक्स आर एक्स में, और वही वाई आपको मिलने लग गया ई इंटीरियर में। इसका मतलब हुआ कि इसके सारे पॉइंट इसमें मिलेंगे, मतलब ये सेट इसमें क्या करेगा, कंटेन करेगा, मतलब एस एक्स आर एक्स इज कंटेन्ड इन ई इंटीरियर। इसका क्या मतलब हुआ, एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई नॉट, क्योंकि एक्स को सेंटर मान करके खींचा गया, ओपन स्पेयर ई नॉट में कंटेन कर रहा है, तो एक्स ई नॉट का कैसा पॉइंट होगा, इंटीरियर पॉइंट, है ना। उतारिए, यहां से बहुत पूछा जाता है, ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, कई साल पूछा गया है।
हो गया पिंक। हो गया आगे बढ़े, हो गया आपका, हो गया। नीचे से लिखिए, सिंस एक्स इज टेकन आर्बिटेरी, सिंस एक्स इज टेकन आर्बिटेरी, सिंस एक्स इज टेकन आर्बिटेरी। नीचे से लिखिए, हैंस हैंस ईच पॉइंट ऑफ ई इंटीरियर, ई इंटीरियर ऐसे ही लिखाएगा, ई पे नॉट, हैंस ईच पॉइंट ऑफ ई नॉट इज इट्स इंटीरियर पॉइंट, इज इट्स इंटीरियर पॉइंट, इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। नीचे से लिखिए, दिस इंप्लाइज ई नॉट इज एन ओपन सेट, दिस इंप्लाइज E naught is an open set, is an open set। नीचे से लिखिए, hence hence interior of any set is an open set, hence interior of any set is an open set, hence interior of any set is an open set। हो गया, बाकी नेक्स्ट टर्न पे पढ़ के आइएगा भाई।